सब कुछ तो बता दिया है बाबा जी, अब ये दीक्षा क्या बाकी रह गई है, क्या रह गया है जो दीक्षा लें। सब कुछ बता दिया है, जो पूछा वो बता दिया गया। अब ये और नया झंझट क्यों खड़ा किया, ये दीक्षा क्या है? जो लोग साइंस पढ़े हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह, जुआलॉजी बॉटनी वगैरह, उन्हें पता होगा कि सब्जेक्ट एक होता है, उसके भाग दो होते हैं। एक होता है थ्योरी, थ्योरी में तुम्हारी बुद्धि के अंदर जो इंफॉर्मेशन बताई जाती है, जैसे फर्ज करो आपके पास सब्जेक्ट है जूलॉजी, तो आपको बताया जाएगा कि मनुष्य के शरीर में यहां से ओसोफेगस शुरू होती है, आगे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, सब कुछ बताया जाएगा। ये हार्ट, ये लंग्स, ये सारा सर्कुलेशन। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अभी तक ज्ञान की एक झलक भी आपको नहीं दी गई। अभी आपको अपनी खोपड़ी भरने दिया गया है, अभी इंफॉर्मेशंस हैं। यहां दिल होता है, इसका रंग ऐसा होता है, यहां से वेन्स निकलती है, ये लेफ्ट ओरिकल, ये वेंट्रिकल, ये राइट ओरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये वेन्स, ये ऑर्टरीज, ऑर्टरीज का ये काम, वेन्स का ये काम। जितनी भी ये सारी सूचनाएं हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे आप धर्म शास्त्रों को पढ़ लेते हो। धर्म शास्त्र कोई भी पढ़ लो, ये सब्जेक्ट्स की तरह है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथ, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह। ये सभी शास्त्र हैं, जैसे 112 तरह की परमात्मा तक पहुंचने की रास्ते हैं, वैसे ही ये रास्ते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में, विषयों में निष्णात होने के। बस एक ही विषय को बड़ी गूढ़तम दृष्टि से बोला जाता है, समझाया जाता है आप, और आपकी समझ में आ जाता है। लेकिन समझ में आ जाना काफी नहीं होता, और आप इसे ही काफी समझते हो, यही चूक हो जाती है। अभी आपको सिर्फ थ्योरी समझाई गई है, तोड़ोगे मैटर को, मॉलिक्यूल्स, एटम, एटम को तोड़ोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब्जेक्ट्स का एक अंश आपके दिमाग में फिट हो गया। ये आपको समझा दिया गया, आपकी बुद्धि में कलेक्ट कर दिया गया सूचनाओं के माध्यम से कि ये ऐसा होता है। लेकिन दिस इज नॉट द सफिशियंट, यह पर्याप्त नहीं। आप सभी अपने अपने विषयों की इंफॉर्मेशन लेके घूम रहे हो,
विद्वान कहलाते हो, ज्ञानी कहलाते हो। कोई वेद पाठी वेद ज्ञानी है, कोई दुर्गा सप्तशती का वेद पाठी ज्ञानी है, कोई किसी शास्त्र में दक्ष है, कोई 18 पुराणों में दक्ष है, कोई उपनिषदों में दक्ष है, कोई भागवत सप्ताह की कथा कहने में दक्ष है। ये सभी अलग अलग विषय हैं और सभी लोग जिन्हें हम गुरुजन कहते हैं वो दक्ष हैं। ये आपको सिर्फ शास्त्र समझाएंगे, पढ़कर आपको बताएंगे कि क्या कहा शौनकादि ऋषियों को, क्या कहा व्यास जी ने, क्या कहा सुखदेव जी ने। दीज आर ओनली इंफॉर्मेशन फॉर यू, इनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। अगर इनके भीतर ज्ञान उपज गया होता तो फिर ये कूड़ा नहीं फैलाते थे, ये पक्का है। जिसको भी ज्ञान हो जाता है वो कूड़ा नहीं फैलाता। सो जिससे भी आपने ज्ञान सीखना है समझ लेना पहले कि ज्ञान इसके पास है भी कि सूचना मात्र है। अगर सूचना मात्र है तो बेकार है, व्यर्थ में आपकी खोपड़ी को भरेगा। इंफॉर्मेशन तो सब कुछ तो बतला दिया बाबा, 400 के करीब वीडियोस आपने डाल दी, हर एक विषय में अलग अलग ढंग से बोले, सभी रास्ते समझ में आए, द्वंद मिटा दिया। जो उत्तर से चलेगा उसके रास्ते में कुछ और आएगा केंद्र तक पहुंचने तक, जो दक्षिण से चलेगा उसके रास्ते में कुछ और आएगा केंद्र तक पहुंचने तक, पूर्व से चलेगा उसके रास्ते में कुछ और आएगा, और पश्चिम से चलेगा उसके रास्ते में कोई और आएगा, कुछ और आएगा, लेकिन पहुंचोगे चारों केंद्र के पास। लेकिन ये पहुंचने से उत्तर दिशा से केंद्र तक, पश्चिम दक्षिण पूर्व से केंद्र तक पहुंचने में अलग अलग हिस्से आएंगे, कहीं कंटकीली जमीन होगी, कहीं पथरीली, कहीं टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे, कहीं राजमार्ग होंगे, कहीं हरियाली मिलेगी, कहीं रेगिस्तान मिलेगा, रास्ते अलग अलग होंगे, कहीं सूखा सूखा मौसम होगा, कहीं भयंकर सर्दी हो, कहीं तप्त हुआ सूरज आग बरसाएगा, कहीं शीतल की ठंडी हवाएं आपके बदन को चीरेंगी, अलग अलग। पूर्व से चलने वाला व्यक्ति कहे कि ये व्यक्ति गलत है, कोई ठंड नहीं होती, महाभयंकर गर्मी होती है, और पश्चिम से चलने वाला कहे कि ये गलत बोलता है, भयंकर सर्दी होती है, गर्मी का नामो निशान ही नहीं, प्यास लगने का सवाल ही नहीं, कोई सूरज नहीं इतनी तप्त बिखेरता, कोई पांव नहीं जलते, भयंकर सर्दी, बल्कि पांव के भीतर मोजे पहनने पड़ते हैं। और जो बारिश से आएगा वो कहेगा कोई आपका अन्य फार्मूला काम नहीं करेगा, छतरी चाहिए। ये अलग अलग रास्ते हैं जिनके ऊपर आप अलग विपरीत दिशाओं से भी चले। सो लक्षणों के ऊपर उलझ मत जाना, सब लड़ाइयां सब झगड़े फसाद लक्षणों के ऊपर बहस करने के फसाद हैं।
क्योंकि लक्षण सभी के अलग अलग होते हैं। बाबा सब कुछ बोल दिया गया, बहुत बोला, बड़ा आनंद आया। अब ये दीक्षा का है, हमारा मन बड़ा वहमी है। अगर हम समझा भी दें तो भी भीतर अचेतन मन के किसी कोने में शंका बनी ही रहती है कि समझाने वाला गलत ना, कहीं तथ्य सत्य कुछ और ना हो, ये टीचर ने, ये लेक्चरर ने, ये फिलोसोफर ने, ये प्रोफेसर ने ये गलत समझा दिया हो, इसको गलत ही पता हो और जैसा पता होगा वैसे ही समझाएगा। दीक्षा क्या है? मैंने कहा दो भाग होते हैं हर सब्जेक्ट का। एक भाग होता है थ्रोटिकल, वह बोल दिया गया, वह आपकी खोपड़ी भरेगा। अब उस खोपड़ी को सत्य है या झूठ है ये देखने का वक्त आ गया है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान तो आपको बंधन में डालेगा। किसी ने भी दिया, वेद ने दिया हो, वेद व्यास ने दिया हो, सुखदेव ने दिया हो, कोई भी ज्ञान एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, माइकल फैराडे ने दिया हो, रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, स्टीव हॉकिंस ने, किसी ने भी आपको ये ज्ञान दिया, सिर्फ थ्रोटिकल है। इससे आपकी बुद्धि में सूचनाएं एकत्रित हो जाएं और आप उन सूचनाओं की अकड़ में फिरते रहोगे कि मैं साइंटिस्ट हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। हमने जो अब तक बताया वो काम अधूरा है। अब आएगी उसको परखने की बारी, क्या जो बोला गया वो सत्य भी है, पता कैसे चलेगा? हिंदू फिलोसफी ये कहती है कि मान लो, और अन्य फिलोसफियां भी कहती हैं मान लो, दर्द हो रहा है तो मान लो कि दर्द नहीं हो रहा है। ये फिलोसफी है, झूठ है, मान्यताएं हैं, मान्यताएं झूठ होती हैं। एक दृष्टि में सत्य कब बनती हैं मान्यताएं? देखने से सत्य बनती हैं कि ये झूठ है या ये सत्य है। अब मैं कहता हूं एटम जब तोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमारे साइंटिस्ट समझाते हैं, लेकिन क्या आपने एटम को तोड़कर उसके भीतर ये तीनों अंश देख लिए? नहीं देखे तो आप अज्ञानी, मात्र नाम के ज्ञानी हो, सूचनाओं के ज्ञानी हो, सत्य के ज्ञानी नहीं। जब तक आपने वो इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशंस नहीं देखी, इतना तेजी से घूमता हुआ, वो दृश्य नहीं देखा, आप ज्ञानी कैसे हो गए? आपने पूर्ण जान लिया ये नहीं कह सकोगे। आप ये कह सकोगे कि मेरे पास सिर्फ एक मैप है, नक्शा है। तो मैं विज्ञान का छात्र था, खरगोश काटने के लिए हमें दिया जाता, बड़ा प्यारा होता है खरगोश, बेहोश किया जाता, उसको छीरा जाता, उसको दिखाया जाता और देखते बड़ा प्यारा, लाखे रंग का हृदय, गहरा लाल, एक मांस का लोथड़ा कैसे पेल्पिटेट कर रहा है,
और कितनी सुंदर व्यवस्था ईश्वर ने बनाई, और सारा भीतर का ढांचा हम देखते हैं, इंटेस्टाइन्स, लीवर, ये किडनीज, गॉल ब्लैडर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये कोलोन, यह रीढ़ की हड्डी, ये सारी चीजें। और जब हम चीर फाड़ के देख लेते हैं, और एक को चीरते दूसरे को चीरते समान चीजें ही मिलती हैं, फिर हम संदेह नहीं कर सकते थे। अगर कोई कहेगा कि ये शास्त्र में गलत लिखा है, बकवास है, तो हम मानेंगे नहीं, कितना भी वो चेष्टा कर ले, क्योंकि हमने देखा हुआ है, हमने वो दिल धड़कता भी देखा हुआ है। अगर कोई कहे कि ऐसे मांस का दोथड़ा 70-80-100 वर्ष तक कैसे चलता है, कौन चलाता है उसको, मैं नहीं मानता इस बात को, तो बस वो नहीं मानता, यही अज्ञान है। और इनको मैं मूढ़मती कहता हूं, प्रैक्टिकल बाकी है। दीक्षा का मतलब होता है अब प्रैक्टिकल में उतरो। सूचनाएं बहुत इकट्ठी कर ली, ये सूचनाएं तुम्हें मुक्त नहीं कर पाएंगी, ये सूचनाएं बल्कि तुम्हें और बंधन में जकड़ लेंगी। फिर आप बहस करोगे, फिर जो पूर्व से आया आप पश्चिम से आए, वो कहेगा ऐसा, तुम कहोगे नहीं ऐसा, झगड़ोगे, गुत्थम गुत्था हो गए, लात घूसा चलेगा व्यर्थ में, ना आपको पता ना उनको पता। थोड़ी उनको जैसे समझाई गई वह इंफॉर्मेशन उन्हें मालूम है, थोड़ी आपको जैसे समझाई गई वो इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, लेकिन सत्य ना आपने देखा ना सत्य उसने देखा, ना ही हजारों दिशाओं से आए हुए किसी व्यक्ति ने देखा। तो इसीलिए मैं कहता हूं अज्ञानियों की बड़ी भारी भीड़ आपस में लड़ भिड़ रही है। धर्म स्थान तो बहुत बने, लेकिन धर्म का स्थान जहां है वहां नहीं बनो। धर्म स्थान में आप रोज गेड़ा लगाते हो सुबह शाम, और कुछ पुजारी लोग तो स्थान में बैठे ही रहते हैं, लेकिन ये मात्र एक सांकेतिक बात थी कि उस धर्म स्थान में बैठे रहना। अपनी प्रज्ञा में स्थित रहना, प्रज्ञा स्थिति प्रज्ञ हो जा, कृष्ण भगवान ने कहा। आप जाते हो सुबह शाम मूर्ति के आगे माथा टेकते हो, दंडवत प्रणाम करते हो, टल्ल खड़काते हो, और जो कुछ आपकी दैनिक दिनचर्या है उस रस्म को निभाते हो, वापस आ जाते हो, जानते वानते कुछ नहीं। जो गया वो भी वैसा ही मूर्ख, जो नहीं गया परमात्मा है ही नहीं, ये खरगोश के हार्ट होता ही नहीं, ऐसे कैसा होगा, मांस का लोथड़ा चलता ही रहे और 100 साल चलता रहे, मैं तो नहीं मानता, वो नास्तिक हो जाता। कभी खरगोश को चीरा नहीं, फाड़ा नहीं, उसे देखा नहीं, भीतर है भी नहीं है। गैलीलियो गैलीली ने आविष्कार किया कि धरती के इर्द गिर्द सूरज नहीं घूमता है, जो आपकी बाइबल में लिखा है। कैथोलिक के चर्च के पुजारियों ने आपत्ति उठाई, वापस लो अपने शब्द, लेकिन चूंकि गैलीलियो गैलीली ने अपनी दूरबीन से देख लिया था कि धरती घूम रही है सूर्य के इर्द गिर्द, वो कैसे मान सकता था
वह देखी हुई ज्ञान से चाहता हुआ भी पीठ न फेर सकता था। उसने कहा, नहीं, मैं आपके पागलपन में सहमत नहीं हूं, मैंने देखा है एंड स्टिल इज मूविंग एंड स्टिल इट मूव्स, अब भी ये घूम रही है, आपको पता नहीं, मैंने देखा है, आपने सुना है शास्त्र पढ़ के, आपकी बाइबल में लिखा है, मैंने अपनी नग्न आंखों से देखा है। नहीं माने कैथोलिक चर्च के पुजारी, मुकदमा चलाया गया, उसको उसके घर में नजरबंद कर दिया गया, आ मरण जब तक तुम मर न जाओ। और ऐसा ही हुआ, वह शून्य में निहारता रहता। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक इन शास्त्रों ने मार दिया, ये तो एक है जिसका नाम हम जानते हैं, अनेकों कुर्बान हो गए जिनको इन धर्म अंधताओं ने मार दिया, वो बाद में पश्चाताप किया, सूली लगा दी गई जीसस को, और उसके बाद पीट रहे हैं छाती, क्यों, हमने उस प्रेम के अनन्य पुजारी को मार डाला अपने हाथों से। अक्सर जो साथ रहते हैं वो ही बिकते हैं, ध्यान रखना। जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के बिल्कुल पास बैठा है वही उसकी टांग खींचेगा, उसको सावधान रहने की आवश्यकता है। उसी व्यक्ति जो तुम्हारी कुर्सी के पास बैठा है, कभी भी उसका दिमाग खराब हो सकता है, आपकी कुर्सी छीन सकता है। आपकी कुर्सी के करीब जिसको बैठा हो वह आप जैसा ही होना चाहिए। दूसरे को बैठाया तो देख लेना, एक दिन वही आपकी कुर्सी को छीनेगा। प्रैक्टिकल दीक्षा दो शब्द हैं, मतलब एक ही है, आओ जो सीखा उसको देख भी ले, क्योंकि गुरु अच्छी तरह से जानता है, कितना भी समझा दो आप कहोगे हमें परम श्रद्धा है आप पर, आप ही हमारे महावीर, आप ही हमारे नानक, आप ही हमारे कबीर, आप ही हमारे बुद्ध, आप ही हमारे सब कुछ, हमें विश्वास है, नहीं आपको विश्वास है लेकिन आपकी बुद्धि को विश्वास है। जिस बुद्धि में आपने संग्रहित किया ज्ञान सिर्फ उसको विश्वास है, आपके हृदय को विश्वास नहीं। कितना ही चिल्लाए जाओ हम आपके शिष्य हैं, हम आपके परम समर्पित शिष्य हैं, समर्पण शब्द का मतलब अलग अलग ढंगों से लिया गया, कोई दीक्षा कहता है, कोई समर्पण कहता है, लेकिन मतलब वही है। समर्पण होता है, करना नहीं होता, यहां तो समर्पण करवाए। कैसे होता है समर्पण? समर्पण किया नहीं जाता, करवाया नहीं जाता, समर्पण कैसे होता है? जो गुरु ने बताया, जब आप चीरोगे, चीरफाड़ करोगे, पाओगे बिल्कुल हार्ट धड़क रहा है, बिल्कुल चार पोर्शन है हार्ट के, बिल्कुल वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, लंग्स हैं, किडनीज हैं, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, सब कुछ है, स्टमक है, सब कुछ देखोगे तो समर्पण हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आपका समर्पण कराया जाता है, ये सिर्फ ड्रामा है, वो चाहे किसी भी धर्म का। जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखोगे तब तक आप
मान सकते हो, जान नहीं सकते। गुरु आपको जनवाएगा। सो जाने हूं जिन देहु जनाई, गुरु जिसको जना देता है, दिखा देता है, वही जानता है। वो दीक्षा है, वो माध्यम जिसकी वजह से आप देख पाते हो कि सत्य क्या है। और समर्पण हो जाता है, आपको करना नहीं होता। समर्पण, प्यार, ये करने जैसी चीजें नहीं, ये होने जैसी चीजें हैं, ऊपर से उतरती हैं। जैसे ही आपने देखा सब भ्रम टूट गए, फिर कोई कोई भी भ्रम डालते रहे, आप कैसे यकीन करोगे? जब आपने देख लिया, एक रैबिट को काटा, उसके भीतर सारे अंग जैसे जैसे गुरु ने बताए थे, टीचर ने बताए थे, सब वही मिले, तो शंका रहने का स्थान कहां रह गया? और वो कड़ी टूट गई जो आज तक दिमाग के ऊपर बोझ थी, आपको पता भी ना था। आप उस इंफॉर्मेशन को ज्ञान समझ रहे थे, आपको पता ही ना था कि इससे आगे भी एक स्टेप होता है। अब पढ़ लिया, अब संग्रहित कर लिया, चलो अब देखें क्या ये सही है। और जैसे ही आप चीर फाड़ करोगे, आप पाओगे बिल्कुल सही है, तभी आपकी शंका मिटेगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, संशयात्मा विनश्यति, जो व्यक्ति संशय में रहता है, यानी जिसने अपनी नग्न आंखों से देखा नहीं, वह संशय ग्रस्त ही है। चाहे इंफॉर्मेशन से कितनी भी इकट्ठी कर ली, मेरे पास बहुत शास्त्र ज्ञा जाते हैं, मैंने गीता भी पढ़ी, कुरान, बाइबल, श्री गुरु ग्रंथ साहब, उपनिषद, वेद, कोई शास्त्र नहीं जो मैंने छोड़ा हूं, मैं शास्त्राचार्य हूं। मैंने कहा पढ़े पढ़े, इनके भीतर सत्य क्या है ये देखा, फिर वो मौन हो जाते। जब तक आपने रहस्य नहीं देखा जिसकी बात गुरु ने की, तो आप तो शब्द और शब्दों के अर्थों तक ही सीमित रह गए। आपने उस शब्द और शब्दों के अर्थों के भीतर छुपे हुए रहस्य को नग्न आंखों से देखा नहीं, तो आप ज्ञानी ना हो पाओगे। तब तक तो आप सिर्फ ज्ञानकार ही होगे कि मैं जानता हूं क्या होता है। सुपोजिशन, जैसे मैथमेटिक्स का हर सवाल, अलजेब्रा का हर सवाल सुपोजिशन से शुरू होता है। सुपोज ए इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 2, ये क्या है? मान्यताएं हैं, और मान्यताएं अलग अलग, एक ने माना ए इज इक्वल टू 2, एक ने माना ए इज इक्वल टू 7, दोनों मान्यताएं अलग अलग। ए की वैल्यू एक ने 2 डाल दी, एक ने 7 डाल दी, 2 वाले ने सिद्ध करके बता दिया कि ये देखो, और 7 वाले ने सिद्ध करके बता दिया कि ये देखो। तुम्हारे हिसाब की कैलकुलेशंस इन आंकड़ों की सुपोजिशन से हल हो सकती हैं, लेकिन सत्य सुपोजिशन से, मान्यताओं से हल नहीं होता। सत्य अगर तुम कहो कि हार्ट तो पीले रंग का होता है, तो जब चीरोगे देखोगे तो पाओगे नहीं, पीले रंग का नहीं है, ये तो गूढ़े लाल रंग का है, ये तो लाखा है, निकलेगा भी लाखा, चीर के देखो, हमने देखा है। और जिसने देखा है वह आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा, वो जानकारियां नहीं देगा, वो आपको ज्ञान भी देगा। अब आओ, आपको हम रैबिट चीर के दिखाते हैं। ऐसे ही फूल, पौधे, उनका विश्लेषण किया गया, सारे अलग अलग पार्ट्स खिलार दिए गए कि ये देखो ये ऐसी चीजें होती, उसे कहते हैं दीक्षा। अभी तक सिर्फ आप इन जानकारियों के बलबूते पर
झगड़ोगे लड़ोगे एक दूसरे का खून बहाओगे, मगज खपाई करोगे शास्त्रार्थ करोगे, खून खराबा होगा, इसी को आप धर्म कहोगे। जबकि धर्म तो मुक्त करता है, आप बंध गए इन्हीं शब्दों में। आपने मान लिया कि हृदय तो हरे रंग का होता है, दूसरा कहता हृदय तो गेरुए रंग का होता है। अब झगड़ा हो गया, देखा उसने भी नहीं, देखा उसने भी नहीं, कौन फैसला करेगा? जिसने काट के देखा वह व्यक्ति है नहीं, क्या करोगे? लड़ोगे झगड़ोगे, फिर मिट्टी लाल होगी, फिर माओ के कोख उजड़ेंगे, कलाइयां सूनी होंगी। हृदय के दर्द उभरेंगे, बुढ़ापे के सहारे छीनेंगे, बच्चे अनाथ होंगे सिर्फ तुम्हारी भ्रांतियों के कारण। मैं रोज देखता हूं गुरु आध्यात्मिक सिखाते हैं नाश्ता क्या खाएं। यद्यपि नाश्ता जरूरी तो है, लेकिन सारे दिन नाश्ते के बारे में बोले जाना ये तो जरूरी नहीं है। आवश्यक है शरीर के लिए, शरीर एक रथ है, इसको स्वस्थ रखना आवश्यक है। कहीं से कोई कील निकल गई, कुछ पहिया खराब हो गया, कुछ टूट फूट गया, मरम्मत कराओ, ठीक कराओ। लेकिन ये रथ ही मैं हूं, ये तो बड़ा ज्ञान है। फिर दोपहर ये खाओ, फिर रात को ये खाओ, फिर ये चाहते हो तो ये करो, ये इनसे भ्रांतियां उत्पन्न होती। अब मैंने परसों देखा एक जुराब के भीतर एक प्याज फंसाए हुआ था, रात को इस प्याज को, मैं बड़ा हंसा उस सीन को देखकर, हद हो गई, इतनी मूढ़ताओं पे उतर गई मानवता की बुद्धि। अगर प्याज को आप तड़का लगाने की बजाय पांव के नीचे रखोगे रात को जुराब में बांधकर, तो आपका ये रोग ठीक हो जाएगा। अगर आप अगरबत्ती जलाओगे तो भगवान नहीं आएंगे। नए नए फॉर्मूले, इन सिर्फ जानकारियां रखने वाले लोगों ने निकाल लिए। बुद्धि बड़ी शैतान है, बुद्धि नए नए बुद्धि तरीके निकालती, और वो आपको भ्रमित करती हैं। सारी सूचना सब कुछ बता दिया बाबा, बिल्कुल बता दिया, ये थ्योरी थी। वो सब कुछ बताया गया भी नहीं, जो कहता है मैंने सब कुछ बता दिया वह मूर्ख है। सारे रास्ते कभी बताए नहीं जाएंगे, सारे रास्तों का रस समझा दिया जाएगा सिर्फ, सारे रास्ते पूर्णतया नहीं बताए जाएंगे, वे तो आपको तय करने होंगे, आप जानोगे। कोई गुरु ऐसा नहीं संसार में पैदा हुआ जो सभी रास्तों से चल के देख के पहुंच गया हो। कुछ रास्तों से चलकर देख के पहुंचे हैं लोग, एक दो चार पांच, सभी हजारों रास्ते, जितने व्यक्ति उतने ही रास्ते, और किसी की जानकारी दूसरे की जानकारी से मिलेगी नहीं। एक कहेगा रास्ते में तो कंच थे, एक कहेगा बिल्कुल साफ था रास्ता, मैदान था, राजपथ था, बड़ा सुंदर शालीन कालीन बिछे हुए थे, बड़ा प्यारा रास्ता था। एक कहेगा कंटकीला मार्ग, जहरीले सांप बिच्छू फिर रहे थे, मृत्यु का डर सता रहा था,
दूसरा कहेगा नहीं कुछ नहीं था, उपवन खिले हुए थे, बाग बगीचों की खुशबू सारे रास्ते पे आ रही थी। तीसरा कहेगा कुछ भी नहीं था, न राजपथ था, न कंकड़ था, न फूल थे, न उपवन था, वहां तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक था, कोई हरियाली न थी, कोई मरुस्थल न था, सबके रास्ते अलग अलग, और किसी के रास्ते ने जो कुछ भी देखा उनकी आंखों ने वो आपसे मेलजोल नहीं खाएगा, इसलिए उसके विरोध में खड़े मत हो जाना। आप अपना समय बर्बाद करोगे। समय बर्बाद करने वाले लोग आज बहुत हैं, कुछ कटाक्ष में समय बर्बाद कर देते हैं। ये नहीं था मैं भी गया हूं, ये रास्ते में नहीं था मैं भी गया हूं, सभी ज्ञानी बन जाते हैं। कुछ कहते हैं ऐसा कोई रास्ता ही नहीं होता, जहां आपने पहुंचना है वो है ही नहीं,